मुझसे ये क्वेश्चन दिन रात पूछा जाता है कि बीटेक के बाद क्या किया जाए, एमटेक किया जाए या एमबीए किया जाए। और मेरा आंसर सुनने के बाद आप लोग बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई ऑलरेडी आपने बीटेक किया, उससे पहले आपने ट्वेल्थ करी, उससे पहले आपने 10 साल पढ़ाई करी, टेंथ करी, आप 16 साल ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के पढ़ाई में इन्वेस्ट कर चुके हो। आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस कितना है? 0। आपने मार्केट में जाके कभी काम नहीं किया, आपको आइडिया नहीं है कि काम होता कैसे है। जो आपने नॉलेज हासिल करी है, आपने आज तक उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे थे, नॉलेज हासिल क्यों कर रहे थे? ऑफ कोर्स नॉलेज हासिल कर रहे थे ताकि आपको पता चल पाए, आप अच्छे इंसान बन पाओ, बट सेकंड जो मोटिव था वो तो यही था ना, वो अल्टीमेटली अच्छा करियर बना सको, राइट? तो आप पिछले 16 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आपने अपने बीटेक कंप्लीट किया, अब आपको पढ़ने का इतना ज़्यादा क्या शौक है कि अब आपको जो है मास्टर्स भी करनी है बिना कोई एक्सपीरियंस हासिल करे हुए? ऑफकोर्स आप मास्टर्स करो, आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, आप सब डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, डॉक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अपना इंडिया और उसके आसपास के सब कॉन्टिनेंट से वाहिद ऐसी कंट्रीज हैं भाई जिसमें लोग जो है बैचलर्स के बाद सीधे मास्टर्स करते हैं और बिना कोई वर्क एक्सपीरियंस हासिल किए हुए। फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि 10th क्लास के बाद जनरली स्टूडेंट्स एक गैप ईयर लेते हैं, उस गैप ईयर में वर्क एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। जब वो वर्क करते हैं डिफरेंट फील्ड में, तो उन्हें पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में, फिर उसके बाद वो 11th 12th करते हैं, 11th 12th के बाद फिर से वो वर्क करते हैं। जब वो वर्क करते हैं उनको समझ में आता है कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, फिर उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हैं। बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वो वापस वर्क लाइफ में जाते हैं और वर्क करते हैं। मास्टर्स करने का पर्पस क्या होता है? मास्टर्स करने का पर्पस ये होता है कि अगर आपने बैचलर किया है मान लो टेक्नोलॉजी में, राइट, एंड यू हैव वर्कड एंड इम्प्लीमेंटेड व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, अब आप अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड करना चाह रहे हो ताकि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज कर पाओ, दैट्स व्हेन यू डू मास्टर्स, राइट? और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि बिजनेसेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, राइट, चीज़ें कैसे इंटरेक्ट करती हैं। उसमें से 80% असाइन मैंने अपना जो है मास्टर्स किया डीके यूनिवर्सिटी से, उससे पहले मैंने जो है वो एक साल का वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया था, उससे पहले मैंने 2-3 साल जो है खुद इंडिविजुअल एज अ फ्रीलांसर वर्क किया था, राइट। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे अपने इंडिया से ही जो सीधे अपना बैचलर्स करके मास्टर्स करने आए थे। अब जब MBA होता था तो क्लासरूम में प्रोफेसर जो है वो बताते थे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते थे, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बताते थे, कैसे जो हायरार्की वर्क करती है वो बताते थे, बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताते थे। अब जिस इंसान ने कभी अपनी ज़िंदगी में इंडस्ट्री में गया ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि कंपनी में वर्क कैसे होता है, तो हाउ विल वी बी एबल टू अप्रिशिएट कि कंपनीज वर्क कैसे करती हैं, बिजनेस वर्क कैसे करते हैं? सारी नॉलेज आप क्लासरूम में बैठ के हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। सिमिलरली फॉर मास्टर्स, एंड दिस इज़ माई आंसर टू यू, इज कि अगर आपको अपना करियर एकेडमिक फील्ड में बनाना है या ऐसी किसी कोर फील्ड में बनाना है जिसमें आपको मास्टर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो देन गो अहेड डू द मास्टर्स। बट अगर आपको अपना करियर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बनाना है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम डूइंग योर मास्टर्स, क्योंकि 2 साल में आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करोगे, 2 साल में अगर आप वर्क एक्सपीरियंस हासिल कर लोगे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो दैट वुड बी मोर वैल्यूएबल देन योर मास्टर्स। और आप डेफिनेटली मास्टर्स करो, 4 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, इवनिंग में करो, कैसे भी करो, बट एटलीस्ट नाउ जब आप बीटेक कर चुके हो या बीटेक करने वाले हो, इससे पहले तक आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया है, अब तो मेरे भाई, अब तो मेरी बहन, जाके थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल कर लो, और फिर उसके बाद मास्टर्स एमटेक करना है एमटेक करो, एमबीए करना है एमबीए करो, पीएचडी करना है पीएचडी करो, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि वो जो नॉलेज आप यूज़ कर रहे हो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी। जब हम इंडियंस जो हैं, जब यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया,
और मैं जॉब ढूंढ रहा था, मुझे पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में इतनी मुश्किल हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपका सीवी देखते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया होता है। और यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो सब सिक्स क्लास से सेवन क्लास से जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी सीवी में बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस होता है, हमारी सीवी में कुछ होता ही नहीं है, खाली सीवी रहती है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बिलीव करना कि आप 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के हो, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी वर्क ही नहीं किया। जब आपने ज़िंदगी में वर्क नहीं किया तो आप वो स्किल्स हासिल कैसे करोगे? तो हमारा कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इतना एजुकेशन इंटेंसिव है, तो हम लोग पढ़ाई में जो इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि हम वो बाकी स्किल्स जो आपकी इंडस्ट्री लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उनको भूल ही जाते हैं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको कोर फील्ड में एग्जैक्टली नहीं जाना है, जिसमें आपको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है, तो अगर अभी अभी आपने बीटेक किया है, गो एंड एक्सप्लोर द इंडस्ट्री। एक साल दो साल जॉब करके देखो, या अगर आपको अपना खुद का वर्क करना है वो करके देखो, फिर आपको ज़रूरत लगती है तो डेफिनेटली गो फॉर एन एमटेक और गो फॉर एन एमबीए। दैट डजंट मैटर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, बट फॉर नाउ गो एंड गेन सम वर्क एक्सपीरियंस। That's it from me for now. If you have any other further questions, please comment में mention करें, questions जो हैं अपने मुझे भेजें, and I'll be more than happy to answer them. Till then, it's goodbye from Amir. Thank you.